ये क्या हो गया, शिनकानसेन। जापानीज बुलेट ट्रेन नेटवर्क को क्या कहेंगे, शिनकानसेन। बहुत तेज गति से जाते हैं सब। अब ये जाएगा 400 से 500 की स्पीड में, ठीक है। अब 400 की स्पीड में अगर जाना है तो यहाँ से दिल्ली लगभग 900 किलोमीटर है, पटना से दिल्ली 900 किलोमीटर। हाँ, दो घंटा, 450 की स्पीड से गई, दो घंटा, एक घंटा और मान लीजिए, स्टॉपेज हो तो बिचवा में देंगे कि सीधे लेके जा जाएंगे, बिचवा में कहीं स्टॉपेज नहीं देंगे क्या? पटना से बनारस दीजिए, बनारस देना पड़ेगा। मुगल सराय तब कौन सी के लिए बना, मुगल सराय बन गया जब बना था तब, उस समय मुगल सराय मजबूरी में बनाना पड़ा था ना, नदी आ गया था बीच में, अब तो हिला देगा नदी उस पर, इतना ना पुल बनाया बिहार के इंजीनियर को छोड़ के, बुलेट ट्रेन में गिरा दे सभी सब। अब इस ट्रेन में खर्च इतना ज्यादा क्यों आता है? पहला कि इसकी स्पीड तेज है, स्पीड तेज होने की वजह से इसके जितने भी रास्ते से जाएंगे साइड साइड में बाड़ लगा के रोकना पड़ेगा, नहीं तो अपने यहाँ के लोगों को आदत है ट्रैकवा पे चल के बतियाता है आजकल लेकुआ से, ट्रेनवा के पटरिया पे ना मोबाइल ले लेगा, बतियाएगा इसे पत्थरवा गिट्टी से मार के, अब बुलेट ट्रेन रहेगी ना कचार के चल जाएगी पिछुआ से नहीं समझ में गया, जानवर भी चले जाते हैं। तो इसको एक तो अलाइनमेंट सीधा रखना है, तो ब्रिज से ले जा रहे हैं लोग, किसे ले जा रहे हैं, ब्रिज से, जहां ये जमीन पे आ रही है वहां साइड साइड में बाड़ लगा के रोकना है, बड़ी तेज निकल जाती है। देखो चारों ओर से बंद होगा, ये दिख रहा है इधर रेलिंग है, इधर तार की फेंसिंग है, इसको ससुरा को इसको पालना बड़ा मुश्किल है, इतना खर्चीला। आप अपने द्वार पे तनी बाउंड्री हलवाइएगा ना, कितना खर्चा आता है, आपका जितना खेत है चारों ओर बाउंड्री कराइएगा, समझ में आ जाएगा कितना पैसा लगे इसको चारों ओर से। दूसरा, यहाँ पर ना ट्रेन की पटरियों को ना जमीन से बांधा नहीं जाता होगा, देखते होंगे रख दिया जाता है, चारों ओर गिट्टी गिरा दिया जाता है जिससे कि वो जाम हो जाए, उसको जमीन में ढाला नहीं जाता है, उसी से क्या हो जाए, जाम हो जाए। लेकिन ये इतना स्पीड से चलती है कि वाइब्रेशन करके सब गिट्टियाँ फेंक देगी, तो इसमें गिट्टी नहीं गिरा सकते, जिसे बैलास्ट कहते हैं। ये देखिए पत्थर दिख रहा है ना, ये पत्थर इसीलिए कि आगे स्टेशन होगा, जब स्पीड कम होगी तब, अदरवाइज में जिससे छत का ढलैया होता है ना पूरा, जहां तक जाएगी ना वहां ढाल देना पड़ेगा ताकि पटरिया पकड़ ले, कम खर्चीला है, उसके बाद फटाक से निकल जाएगी यहाँ से। तो अगर ये आ गई पटना से दिल्ली, तो पटना से दिल्ली अमूमन ये तय करेगी 2.5 से 3 घंटा में, एक घंटा और मान लीजिए चार घंटा में कहाँ पहुँचा दी, दिल्ली। फ्लाइट कितना घंटा में ले जाती है, 1.5 घंटा में। लेकिन 1.5 घंटा से पहले जो दिमाग का नोच देता है सब, एक तो फ्लाइट होती है शहर के बाहर, तो 1 घंटा पहले तो पहुँचना होता है, जैसे 3 बजे फ्लाइट है तो आपको तो 2 बजे पहुंचना है, और 2 बजे पहुंचने के लिए घर से 1 बजे निकलना है, और जाम ना लग जाए इसलिए 12 बजे निकलना है, क्योंकि वहां तो नहीं ना होता है कुछ ऐसा होगा क्या, चाचा ले ले चलिए हमारा वहां लेके छोड़ के चल दिया, आप मेंटली प्रेशर इतना ज्यादा रहता है। अब 3 बजे की फ्लाइट में आपको पहुंचना 2 बजे है, तो निकलेंगे 1 बजे से, लेकिन 1 घंटा मार्जिन कितना बजे, 12 बजे, 12 बजे से पहुंचे वहां पर, अब उसके बाद से 3 बजे फ्लाइट में घुसा देगा, 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट दिमाग नोच देगा। जो पहली बार जाते हैं उनके लिए तो ठीक लगता है, बार बार वही चीज़ हुआ, कुर्सी की पेटी ऐसे बांधे, फ्लैप ऐसे करे, ऑक्सीजन मास्क ऐसे लगा, और जो रेगुलर गया रहता है दिमाग नोच आ जाता है, अब भाई साहब अब उड़ा दे, नए नए में ठीक लगता है शुरुआत, अरे कौन सी बता रहा है, हाई बटन कौन सी के लिए, और इधर लेकिन रेगुलर वाला आदमी क्या हो जाता है, ऊब जाता है आदमी, अब इतना रेगुलर जाने का आदमी सो जाता है उसमें कि चलो भैया 1 घंटा है, शांति से सो जाता है आदमी अब तो। लेकिन ये रहेगी तो इसमें झमेला उतना नहीं है, क्योंकि जहाज में सिक्योरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा ब्लास्ट होगा ना, छोटा सा ब्लास्ट होगा तो, क्योंकि हवा में है पूरा का पूरा विस्फोट कर जाएगा। चार्जर नहीं ले जाने देते हैं, सो बिना स्कैन किए चार्जर जो हो जाएगा ना उसका बैटरिया फट जाता है यहाँ पर। लेकिन ये तो जमीन पर चल रही है और भारी है बहुत, विस्फोटो करेगा तो रुक जाएगा वहां तक में, नॉर्मल जिस विस्फोट में जहाज उड़ जाए उतना में तो खींच के लेके चल जाएगा, और उसमें भी अगर एक्सीडेंट होता भी है तो कंप्लीट लॉस नहीं होगा हवाई जहाज में। अभी नेपाल में कल गिरा है, सब के सब लोग देख करके, एक पायलट बस बचा, वो भी जब गिरा ना टेक ऑफ के टाइम पे ही, तो V2 स्पीड ही नहीं पहुंच पाया, जैसे V1 होता है, जैसे स्पीड चलता है ना जहाज रनवे पे जब जाएगा तो उसको बोलते हैं ना सबसे पहले रोटेट, मतलब वो जब चलने लगेगा तो जब स्पीड गेन करेगा तो एक स्पीड होता है V1, मतलब अब ब्रेक नहीं मार सकते हो, अब तुमको कुछ हो जाए लेके उड़ जाओ। उसने V1 स्पीड क्रॉस कर लिया और उसके बाद टेक ऑफ किया, तो उसको कहते
रोटेट लेके उड़ गया, उसके बाद लगभग 2 से 5 हज़ार फीट पे पहुंच जाता है ना, तो अलग अलग जहाज की सेफ हाइट अलग होती है। बड़ी जहाज के लिए 10 हज़ार फीट को सेफ मानेंगे कि हाँ भाई सेफ इन द सेंस है कि उतना भी इंजन अगर खराब हुआ ना तो बंद इंजन पे भी पतंग की तरह लेके उतर जाएगा। तो पतंग की तरह भी लेके उतरने के लिए एक हाइट रहना चाहिए ना, वो हाइट ही नहीं गेन कर पाया, हाइट नहीं गेन कर पाया। और उसने कोशिश किया है, अब अगर इमेज देखिएगा तो कोशिश किया है घुमा के क्या कर दे ले आए, लेकिन उतना हाइट था ही नहीं, प्रॉपर हाइट रहेगी तब तो। पटना एयरपोर्ट पे 1996 या 1997 में गिरा दिया था वो, क्या किया ना उसकी हाइट ज़्यादा थी। आज वो गलतियाँ पटना में है, ILS CAT 2 ILS या CAT 3 ILS सिस्टम नहीं है यहाँ पे, पायलट को अपने से देखना पड़ता है। तो हाइट बहुत ज़्यादा थी, हाइट क्या थी ज़्यादा थी, तो ATC कहा कि आपकी हाइट ज़्यादा है नीचे कीजिए, तो धड़धड़ैले नीचे कर दिया, कुछ ज़्यादा ही नीचे कर दिया। अब जब ज़्यादा नीचे किया तो कहा कि भाई ज़्यादा ही नीचे हो गया, तो कहा कि रुको फिर खींच देते हैं, मुंडिया इतना ना उठाया, इतना उठाया कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अरे किसी चीज़ का एक लिमिट होता है, जैसे मोटरसाइकिल भी मुड़ाइएगा तो एक लिमिट है, धेरे कर दीजिएगा तो सूझ जाएगा वहाँ पर, यो धोकर दे मुंडिया उठा दिया, धेरे उठा दिया, बहुत गिर गया, चिड़ियाघर के पास भी गिरा था। थोड़ा महज पटना एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर गिरा था और जल के लोग मर गए थे, और लोग इतना भीड़ लगा दिए थे कि एम्बुलेंस भीड़ हटाने में फंस गए, जो एम्बुलेंस थी और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो फंस गई उसी में। ए जहाज गिर लो, जहाज गिर लो, एम्बुलेंस वाला हॉर्न मार रहा है फायर ब्रिगेड की, भाई कोई तो बचा होगा यार, एक को बचा होगा, बचा लेने दो। तो पुलिस आई भीड़ हटाने के लिए, हटो। हाँ अगल बगल में गिरा होगा, 1997 के आसपास की घटना है, कोई बसता थोड़ी है इस सब में है। तो ये सेन कांसेन रेल में कहाँ है, जापान, और हमारे यहाँ अभी बन रही है मुंबई से लेके अहमदाबाद। हालांकि दिल्ली से मुंबई का ट्रैफिक ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा रेल ट्रैफिक कहाँ से कहाँ है, कलकत्ता से दिल्ली वाले रूट में। जो भी ट्रेनें कलकत्ता से दिल्ली के रूट में जाएंगी खचाखच भरी हुई जाएंगी एकदम, क्योंकि ये एरिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, यूपी बिहार बंगाल झारखंड यही तो भरे हैं जनसंख्या से। नीचे में एक महाराष्ट्र है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र तो बन ही रहा है वहाँ से, तो इतनी बड़ी जनसंख्या, तो ये बुलेट ट्रेन आ जाएगा तो ठीक है, अच्छा है, यहाँ पे सिक्योरिटी उतना झमेला नहीं होगा इसमें। आगे बढ़े,